नमस्कार दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल शैलेश के क्रिएशन में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को एक नए जगह, एक ऐसे जगह लेकर आए हैं जिस जगह आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक हिडन मंदिर है और ये हिडन लोकेशन होने के कारण यहाँ क्या है कि लोग, बहुत कम लोग यहाँ आ पाते हैं। और दोस्तों, ये जगह का नाम है, आप लोग को बता देते हैं, ये जगह का नाम है मुनिया मठो। और ये मुनिया मठो जाजपुर जिले में पड़ता है, जो कि हमारा ये क्या है कि चंडीखोल के आसपास में आप लोग को मिलेगा। और ये जगह बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर का बहुत ही हिस्ट्री पुराना है और दोस्तों देखने में भी काफ़ी सुंदर मंदिर है। उसका जो बनाया गया है सारा चीज़, चारों ओर का जो सुस्त वातावरण में मंदिर स्थापित है। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ लेकर आए हैं, आप लोग को उस पूरा वीडियो में बने रहिए और पूरा चीज़ दिखाएंगे आप लोग को डिटेल्स में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ में रहिए, बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ। दोस्तों, ये है मंदिर का एंट्री गेट, यहाँ बहुत खूबसूरत से बनाया गया दोस्तों, देखिए। और यहाँ आपको पूरा सीढ़ी चढ़कर ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो ये सीढ़ी होते हुए हम अभी मंदिर की ओर जाएंगे। ये एंट्री गेट है, आप लोग देख सकते हैं। और ये राधा कृष्णा जी का है मूर्ति, और ये हो गया राम जी और सीता मैया का ये प्रतिमूर्ति, जो है कि गेट के बगल में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। और दोस्तों, कहे तो ये काफ़ी सुंदर है, बहुत मूर्तियाँ इसमें बनाया गया है। तो आप लोग को डिटेल्स में आप लोग को सब बताते हुए पूरा मंदिर का दर्शन कराएंगे। दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी का ये तीन बंदर है, जो कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, उसी को दर्शाया गया है दोस्तों। और ये एक गुफा टाइप का मंदिर है, चढ़ के देखते हैं अंदर में क्या है। तो हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ के वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। जय भोलेनाथ। ये मंदिर भोलेनाथ का है, भोलेनाथ जी का यहाँ मूर्ति रखा गया है। और दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही काफ़ी सुंदर जगह है। और ये देखिए, भोग का दुकान है, प्रसाद यहाँ पर मिलता था, पर अभी लॉकडाउन से ये बंद पड़ा है। लॉकडाउन के बाद से खाली मंदिर खुला है, लोग बाहर से प्रसाद लेकर आते हैं या चढ़ाई के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहे, तो यहाँ हम फिर आगे चलते हैं। ये बाएँ और हमारे आप लोग को दिख रहे हैं, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए, बहुत ही सुंदर तो है मंदिर। दोस्तों, यहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये बाबा जो है कि जगन्नाथ जी का ये मंदिर है दोस्तों। अभी काम हो जी दोस्तों, ये जगह का डिटेल्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोग कांटेक्ट करना हमें चाहेंगे कि यहाँ का जानकारी आप लोग को चाहिए, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का आईडी, वहाँ पर आप लोग जाके फॉलो करें और वहाँ पर मैसेज करें, आप लोग को ये जगह का जो डिटेल्स है सारा चीज़ आप लोग को बता देंगे। स्थान है गुरु जी का, इस पर जो है कि मूर्ति यहाँ पर रखा गया है और उसका पूजा भी किया जा रहा है। यहाँ पर यज्ञ होता है, यहाँ पर यज्ञ होता है, यज्ञ गुरु जी सामने है। और चलिए बजरंग बली, ये बजरंग बली जी के मंदिर, बजरंग बली
बाबा चलो बाबा तो ना जीता हूँ जगह के देख दिए क्या चलना मेन मंदिर दोस्तों यह छवि मार्कंडेय जी के हैं जो है कि ऋषि मार्कंडेय अल्पायुष का वरदान मिला था। तो अब क्या है कि अब यमदूत ने उनका जब आयु पूर्ति होने के कारण उन्हें लेने आया तो इन्होंने शिव जी के शरण में आए और ये दीर्घायु का वरदान शिव जी से प्राप्त किए थे। तो यह जो छवि देख रहे हैं एक कामधेनु गाय की है जो है कि समुद्र मंथन के दौरान इसको प्राप्त किए थे। ये देखिए शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही है। दोस्तों यह जो है कि भगवान विष्णु जी की जो नवगुंजरा वेश है, नवगुंजरा जो अवतार है उसका है, जो है कि सर एक मुर्गे की है और उसका गर्दन है एक मोर की और उसका हम जो कुबल है ये सांड का है, एक पैर जो है घोड़ा की है, एक पैर हाथी की, एक पैर बाघ की और एक हाथ जो है कि इंसान का है जिसमें एक फूल पकड़े हुए हैं और पेट इन शेर का है जो है कि लायन का है और इनका जो टेल है जिनका पूंछ है वो सांप की है। तो दोस्तों यही है भगवान विष्णु के जो है कि नवकुंजर वेश जो है कि अर्जुन जी को दर्शन दिए थे। एक गाय जो है कामधेनु गाय देखिए।
हमारा इस चैनल में काफ़ी सारे मंदिर का, देवस्थान का, जो तीर्थ स्थान, सारा वीडियो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। और हर मंदिर में आप लोग देखेंगे कई सारे ऐसे तस्वीरें और कई सारे ऐसे रोचक तथ्य इन सब में भरा हुआ है दोस्तों। अब कोई भी मंदिर जाएंगे वहाँ पर हर तरह का, हर द्रौपदी पुराण में वर्णित जो है कि चीज़ें हैं वहाँ इस मंदिर सब में आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये सारे चीज़ें को हम संक्षिप्त विवरणी के साथ आप लोग को सारा जानकारी देते हुए हम आप लोग को ये चीज़ ज्ञात कराने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। इस चैनल में जितने भी वीडियो होते हैं दोस्तों, हर वीडियो में छोटे से छोटे जानकारी भी छोड़ते नहीं, जो कि हर आप लोग को हर चीज़ का जानकारी देते रहते हैं। ये मुनिया बाबा का समाधि है। ये जो जगह जिस नाम से जाना जाता है, इन बाबा के नाम से जाना जाता है कि ये मुनिया मठो जो है, इस मठो में इन बाबा ने यहाँ पर प्रारंभ किए थे और इनके नाम से ये मठो का नाम है मुनिया मठो। और इन बाबा के जो समाधि स्थल है, ये देखिए उनका समाधि है, ये जो बड़े टाइप का पिंडी टाइप का दिख रहा है, ये उनका समाधि स्थल है दोस्तों। ये उनका समाधि है कंप्लीट। और उनके समाधि के साथ उनका स्टेचू पर भी यहाँ पर बना गया है। और उन्होंने ये जो कठाव यूज करते थे, देखिए पादुका उनका आज भी है दोस्तों, उनका खुद का यूज किया हुआ ये जो कठाव है, पादुका है, वो आज भी सुरक्षित है और यहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर संक्रांति और सोमवार ये सब में बहुत भीड़ होता है। अरे मंदिर का चारों ओर देखिए हरियाली और जंगल परिवेश से भरा है। ये देखिए आकाशगंगा है, यहाँ क्या है कि शिवजी के जटा में पानी गिर रहा है। देखिए आप लोगों को जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए शिवजी के जटा में ये पानी दोनों तरफ से गिर रहा है। अरे है यहाँ का मंदिर पूरा रथ के स्टाइल से बना है। देखिए चक्का है, देखिए पूरा रथ के स्टाइल से बना है। नहीं ऊपर कॉमर्स में दोस्तों, ये मूर्ति जो देख रहे हैं ये दत्तात्रेय भगवान जी के हैं, जो है कि नारायण जी के ये अवतार है। और इसमें क्या है कि अत्रि ऋषि ने और माता अनुसूया ने कठिन तपस्या करने के बाद जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनका पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। दोस्तों ये था आज का ब्लॉग में जो मुनिया मठो, इस मुनिया मठो का वीडियो आप लोग को दिखाया सारा चीज़। यहाँ जो जगन्नाथ जी है और भोलेनाथ के मंदिर के साथ यहाँ का परिवेश आप लोग को पूरा चीज़ दिखाया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो में आप लोगों को कोई सजेशन के रिगार्डिंग कुछ कहना हो
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कमेंट करिए कि उसमें वीडियो में क्या सही है क्या गलत है। अगर मेरा कहीं पर गलती रहता है तो उसको हम सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। और दोस्तों और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है कि आप लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा। तो दोस्तों आज फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय जगन्नाथ।